Hello dear students, today we have moved in a new lecture and in this lecture we will cover some new different questions with different ideas and different concepts. Hi everyone, my name is Eras and how are you? मेरा नाम एराज है और कैसे हो आप सब? मुझे यकीन है कि आप सब ठीक ही होंगे और बहुत सारी बातें करते हुए बहुत सारे मुस्कुराहट के साथ आज भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को ही सोल्व करने का प्रयास करते हैं, राइट? ऑब्वियसली यस. In the previous classes, we have solved so many different types of the long answers questions, and in this classes, we will also solve so many different types of the long answers type questions. ठीक है? और short answer questions की भी बातें करते हुए, इन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आगे की मैं बातें करता हूँ, ठीक है? तो अब जो आपका next problems आता है और next type of the questions है, that is the question number 50 है, ठीक है? मुझे यकीन है जी कि आपने previous lecture में question number 49 के बी कंप्लीट कर लिया है, राइट? अब समय आ गया कि आगे का क्वेश्चन जो है उसे सोल्व किया जाए. दैट इज द क्वेश्चन नंबर 50. तो ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 50 से आज शुरू करते हैं क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में तो बता ही दिया था. क्यों जी? ठीक है, देख लिया हो ना? चलो बहुत अच्छे. तो क्वेश्चन है हमारा कि नेम द थ्री थिंग्स सीक्रेटेड बाई द इनर लाइनिंग ऑफ आवर स्टमक. ठीक है, तीन गो ऐसा चीज का नाम बताओ जो हमारा इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक के द्वारा सीक्रेट किया जाता है. ठीक है, और इसी में पूछा गया है ऑल्सो ऑल्सो स्टेट देयर फंक्शंस. और सिर्फ नाम ही नहीं बताओ बल्कि उसका क्या काम है, फंक्शन क्या है, वो भी बताना है. तो कोई बात नहीं, वो ही बताएंगे, राइट? ऑब्वियसली यस. तो नेक्स्ट इसी में पूछा है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन. और लार्ज इंटेस्टाइन का क्या फंक्शन है? ठीक, यहाँ पे दो बार लिखा गया है लार्ज इंटेस्टाइन, यहाँ पे एक ही बार होगा, तो आगे वाला को काट लीजिए और पहले वाला को इंक्लूड कर लीजिए. ठीक है, और लार्ज इंटेस्टाइन का क्या फंक्शन है? तो वन बाय वन करके इस क्वेश्चन को तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं. पहला पार्ट का आंसर है, आंसर का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि तीन गो ऐसा कोई चीज है जो इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक से सीक्रेट होता है, यानी कि रिलीज किया जाता है, उसका नाम बताना है. तो कोई बात नहीं, उसका नाम बता डालेंगे, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है. और क्या पूछा कि तीनों का फंक्शंस बताना है, क्या काम है वो बताइए, तो वो ही बताएंगे. और फिर तीसरा क्वेश्चन पूछ दिया कि लार्ज इंटेस्टाइन का क्या फंक्शन है, तो ये इसको भी सोल्व करते हैं, लेकिन वन बाई वन करके. सबसे पहले जानते हैं कि क्या वो तीन चीज है. लिखा हूं कि फ्लोविंग आर द थ्री थिंग्स सीक्रेटेड बाई द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक. इफ यू वॉन्ट सीक्रेटेड, आप चाहो और आप यहां तक लिख लो. लिख लिया होगा, मैं बोला आंसर देते हुए कुछ निम्नलिखित प्रकार से. फ्लोविंग आर द थ्री थिंग्स, निम्नलिखित वो तीन चीज है जो सीक्रेट किया जाएगा किसके द्वारा, तो इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक, यानी कि हमारा जो पेट है, पेट का अंदर का जो पार्ट है ये लाइनिंग, उसके द्वारा वो सीक्रेट किया जाता है थ्री थिंग्स. तो आओ चलो जानते हैं कि वो चीज क्या क्या है, वो तीन चीज. ठीक है, इसे लिख लिया हो ना? इफ यू वॉन्ट यू कैन राइट इट, आप चाहो और आप इसे लिख लो. चलो ठीक है, लिख लिए. चलिए जी, तो पहला का नाम है दैट इज अ म्यूकस, सेकंड वन इज द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, थर्ड वन इज द डाइजेस्टिव जूस. तो इसे याद रखिएगा, जो ये जो तीन चीज हमने बताया, म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस, वो सीक्रेट होता है हमारे पेट के अंदर का जो लाइनिंग है, पार्ट है, उसके द्वारा ये सीक्रेट किए जाते हैं. तो ऑब्जेक्टिव में ये पूछ सकता है, तीन गो चीज है तो तीनों में से तीन तरह के क्वेश्चंस पूछेगा और चार तरह के भी क्वेश्चंस पूछ सकता है. जैसे में अब कोई लड़का सोच रहा होगा कि सर ये बताइए कि यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो किस प्रकार से और कैसे पूछे जाएंगे, यही नहीं सोच रहा होगा? तो मैं आपसे बताता हूँ. तो देखो, पूछेगा ऐसे क्वेश्चन है कि म्यूकस इज सीक्रेटेड बाय द डैश, और ऑप्शन ए में इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक, बी में कुछ और देगा, सी में कुछ और, डी में नान. तो क्या मारेगा, इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक से सीक्रेट होगा म्यूकस. ठीक है, ऑप्शन के अनुसार से ना ठीक लगाओगे, अगर ऑप्शन में और भी कुछ है तो वो भी सही हो जाएगा, एक से ज्यादा भी आंसर सही हो जाते हैं, तो वहां पे देखिएगा क्या रहता है, बोथ रहेगा तो फिर बोथ मारोगे, है कि नहीं? उसी प्रकार से हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए पूछ सकता है, सिमिलरली डाइजेस्टिव जूसेस के लिए एंड सो ऑन, और भी कुछ पूछ सकते हैं, राइट? ऑब्वियसली यस. या फिर एक प्रकार सब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि तीनों का नाम दे देगा और डी में दे देगा ऑल, तो क्या मारोगे, ऑल मारोगे, है कि नहीं?
वन बाई वन करके ये तीनों को लिखना नहीं है, बल्कि डी में ऑल रहेगा तो ऑल ही मार देना, और यही करेक्ट आंसर रहेगा और यही उचित रहेगा। ठीक है, किसी कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम तो अभी बोलेगा, नहीं हो रहा ना? बहुत सही। अब देखो ये तीनों का फंक्शंस भी बताने थे, तो वही लिखा हूँ कि फ्लोइंग आर द फंक्शन ऑफ थ्री थिंग्स विच इज सिक्रेटेड बाय द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक, यानी कि इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक द्वारा सिक्रेट किया गया है ये तीन चीज, उसका कुछ निम्नलिखित फंक्शंस है, वन बाय वन करके जानते हैं। देखिए हमारे पास तो जगह है ही, तो इसीलिए एक लाइन छोड़ करके आप भी कॉपी में लिख लीजिएगा आंसर को, ताकि ऐसा लगे कि सेपरेट सेपरेट आंसर्स हैं, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में दो तीन तरह का प्रश्न दे दिया है ना, इसीलिए हमने ऐसा किया आपके लिए, ताकि आपको पढ़ने में और समझने में आसान लगे, सुविधा लगे, एक ही में घिच पिच नहीं करना है। ठीक है, क्या होगा, थोड़ा सा जगह ज्यादा कॉपी में लेगा, थोड़ा सा ज्यादा कॉपी खर्च होएंगे, है कि नहीं, लेकिन लिखने में कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले म्यूकस का जानते हैं, तो म्यूकस के बारे में बताया हूँ मैं कि इट प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ स्टमक, ये म्यूकस जो है वो क्या करता है, तो जो लाइनिंग है किसका, स्टमक का, उसको प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द डैमेज ऑफ इट्स ओन सिक्रेशंस, किस लिए, तो डैमेज ना हो जाए, किससे डैमेज होगा, तो ओन सिक्रेशंस, क्या सिक्रेट करता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। ठीक है, क्या हो गया, नहीं समझा, कोई बात नहीं, फिर से सुनेगा, मैं बता रहा हूँ म्यूकस के बारे में कि म्यूकस का क्या फंक्शंस है। तो म्यूकस जो है वो अपने सेल को सुरक्षा देता है किससे, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, समझ गया ना, जो रिलीज होते हैं स्टमक में। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो डाइजेस्ट कर लेता है बहुत सारे मांस को, यानी कि मीट को जो आप खाते हो, तो वो जब उसे पचा रहा है, तो हमारा पेट भी तो मांस से ही बना हुआ है, तो उसे क्यों नहीं पचा लेता, तो इसी के कारण म्यूकस है। तो यही लिखा है, प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ स्टमक, यानी कि अंदर का जो लाइनिंग है स्टमक का, पेट का, उसे क्या करता है, उसे सुरक्षा प्रदान करता है, उसे बचाता है, समझ गया, किसी को अब भी कोई दिक्कत है नहीं ना, चलिए ठीक है। अब दूसरा है वो ये है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में बातें करते हुए मैं बताने का प्रयास किया हूँ आपसे जी, कि इट मेक्स द मीडियम ऑफ स्टमक एसिडिक, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमक का जो मीडियम है वो एसिडिक बनाता है, इसीलिए एचसीएल जो है वो रिलीज होते हैं। क्यों भैया, क्योंकि जो हमारा भोजन, जो कुछ भी हम लोग खाते हैं, वो कैसा मीडियम में पसंद करना, पचना, डाइजेस्ट होना पसंद करता है, तो एसिडिक मीडियम में ही वो डाइजेस्ट होना पसंद करता है और होता है, समझ गए, चलिए ठीक है। तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यही फंक्शन है कि पेट का जो मीडियम है उसको एसिडिक बना देना, तो पूछेगा तो बता दोगे ना, ऑब्वियसली यस। अब देखिए तीसरा है, डाइजेस्टिव जूसेस के बारे में जानकारी देता हूँ, तो इसके बारे में जानकारी देते हुए लिखा हो कि इट हेल्प्स टू ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स, जो डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेट हुआ हमारा इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक से, उसका इस्तेमाल होगा किस लिए, तो प्रोटीन्स को ब्रेक करने के लिए, प्रोटीन्स को तोड़ने के लिए, उसको डाइजेस्ट करने के लिए, समझ गए, यहाँ तक किसी को कोई समस्या है, कोई कंफ्यूजन नहीं, आगे बढ़ सकते हैं ना, चलो बहुत अच्छे, इफ यू वॉन्ट यू कैन राइट इट, आप चाहो और आप यहाँ तक लिख लो, लिख लिए, आगे बढ़ते हैं, तो ठीक है, चलो जी भाई, नेक्स्ट आपसे पूछा था कि लार्ज इंटेस्टाइन का क्या फंक्शन है, पूछा था ना, तो वही लिखा हूं अब कि द लार्ज इंटेस्टाइन अब्जॉर्ब्स मोस्ट ऑफ द वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड फूड मटेरियल, दिस इज द फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, जैसे कि हमारे भोजन जो है वो हमारा पेट में पचा और स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन हुआ, तो जो कुछ भी वाटर वगैरह है वो कहाँ अब्जर्व होगा, वो फूड मटेरियल जो है वो अब लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन हो गया, तो जो कुछ भी वेस्ट मटेरियल बचेगा ना वो लार्ज इंटेस्टाइन में मूव करेगा, और वहां पे उस वेस्ट मटेरियल में पानी वगैरह है, तो पानी जो है वो खींच लिया जाएगा किसके द्वारा, लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा, इसीलिए जो लैटिन है यानी कि फिशेस है वो कैसा होता है, तो सेमी सॉलिड के रूप में होता है वो, समझ गया, पतला नहीं होता है। तो यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन, समझ गया, और यही फंक्शन है स्मॉल इंटेस्ट, सॉरी लार्ज इंटेस्टाइन का क्या फंक्शन है, मैं रिपीट करता हूँ, लार्ज इंटेस्टाइन का यह फंक्शन है कि जो भोजन है, भोजन में से, भोजन में
जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसमें से लिक्विड को खींच ले और उसको सेमी सॉलिड बना दे, यही फंक्शन है इसका लार्ज इंटेस्टाइन का। समझ गए? आगे बढ़ जाए डियर, कोई दिक्कत हो रहा है? नहीं हो रहा होगा तो आप चाहो और आप इसे लिख सकते हो, इफ यू वॉन्ट्स देन यू कैन राइट इट। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 की ओर मैं बातें करता हूँ, 51 में मूव कर चुके हैं तो इसे अच्छे से समझने का प्रयास करना क्वेश्चन नंबर 51 को, और कहीं कंफ्यूजन हो तो जरूर बोलना, ठीक है? आप लोगों का तो क्या ही कहना। क्वेश्चन है जी कि व्हाट आर इंसीजर्स, इंसीजर्स जो है वो क्या होता है, कैनाइंस क्या है, प्री मोलर्स क्या है और मोलर्स क्या है, ये सभी के बारे में आपको जानकारी देने हैं तो कोई बात नहीं बता देंगे। और है क्या स्टेट देयर फंक्शन, और इसका कुछ फंक्शन भी बताओ, ये क्या करता है, ठीक है? तो सबसे पहले तो वन बाई वन करके जानते हैं कि इंसीजर क्या होता है, फिर उसी के साथ साथ बताते चलेंगे कि इंसीजर किस लिए है, वो करता क्या है हमारे मौत में, है कि नहीं? तो लिखा हूं कि इंसीजर आर द सीजल शेप्ड टीथ एट द फ्रंट, यानी कि सामने से जो सीजल शेप्ड का मतलब हुआ चपड़ा, देखो चपड़ा, खुरपी देखो खुरपी, और कैसे नुकीला रहता है एकदम पूरा फ्लैट नुकीला रहता है, तो वही वह सीजल शेप्ड तो उस प्रकार से होता है। और किस लिए होता है, तो बाइटिंग करने के लिए। लिखा हूं कि इट इज यूज्ड फॉर बाइटिंग एंड कटिंग फूड, और इंसीजर का फंक्शन यानी कि चारों का फंक्शन भी पूछा और क्या होता है वो भी पूछा। इंसीजर मैंने बता दिया कि क्या होता है, सीजल शेप्ड का टीथ है जो फ्रंट में होता है आगे की ओर होता है, ठीक है? और मैंने बताया कि इसका क्या फंक्शन है, तो इट इज यूज्ड फॉर बाइटिंग एंड कटिंग फूड, इसका इस्तेमाल होता है भोजन को काटने के लिए यानी कि बाइट करने के लिए। बाइट का भी मतलब हुआ काटना और कटिंग का भी मतलब हुआ काटना, कहने का तरीका अलग अलग ताकि और अच्छा लगे, समझ गए? चलिए इसे लिख लेगा, लिख लो, चलो लिख लिया होगा मुझे यकीन है आप पे। अब देखो कैनाइंस के बारे में बातें करता हूँ, ठीक है? लिखा हूँ कि कैनाइंस आर द लार्ज पॉइंटेड टीथ, कैनाइन जो है वो थोड़ा सा बड़ा है और पॉइंटेड पॉइंटेड टीथ है, यानी कि नोकीला दांत है ये और थोड़ा सा बड़ा होता है। कहाँ भैया? तो बता रहा हूँ जस्ट बिहाइंड द इंसीजर्स, इंसीजर्स से बगल में थोड़ा सा पीछे, इंसीजर के थोड़ा सा पीछे यानी कि बगल में, ठीक है? इट इज यूज फॉर, इसका इस्तेमाल किस लिए होता है, तो पियर्सिंग एंड टीयरिंग, किस चीज को, तो फूड को, यानी कि भोजन को चीरने के लिए और भोजन को फाड़ने के लिए इंसीजर नहीं बल्कि कैनाइंस का इस्तेमाल होता है, ठीक है? अब देखो और भी अच्छे से समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि सपोज दैट आप कोई भी भोजन खाते हो, जैसे सेब खा रहे हो सेब, ठीक है? और वो सेब को क्या करते हो, आगे से इस प्रकार से एक चेक से काट लेते हो, ठीक है? लेकिन कोई ऐसा फूड वगैरह सब आप खा रहे हो जो सामने से कट ही नहीं रहा हो, तो क्या करते हैं आप, क्या करते हो वो मुझे पता है, वो ये करते हो कि बगल से यहाँ से इस दांत से, ये नुकीला वाला दांत दिख रहा है ना, इसी दांत से आप उसको काट लेते हो, ठीक है? किस लिए, ताकि आसानी से कर जाए। आपको कैसे पता सर, आप भी ऐसा करते हो? तो हाँ मैं भी ऐसा करता हूँ, हर एक कोई करता है क्योंकि दांत हमारे पास है तो कर सकते हैं, ठीक है? तो समझ गया ना, किसी को कोई दिक्कत है इसी कैनाइंस के बारे में बहुत सारी बातें करते हुए? चलो भैया आगे बढ़ता हूँ। अब आता है ये इंसीजर हो गया, कैनाइन हो गया, बचा क्या, प्री मोलर एंड मोलर बचा, तो प्री मोलर के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है? तो बता रहा हूँ कि प्री मोलर्स आर द लार्ज टीथ व्हिच आर प्रेजेंट जस्ट बिहाइंड द कैनाइंस। प्री मोलर जो है वो एक बड़ा सा टीथ है जो कहाँ प्रेजेंट होता है, तो कैनाइंस के थोड़ा सा पीछे, ये भी जस्ट बिहाइंड, ये भी थोड़ा सा पीछे होता है कैनाइंस के, ठीक है? और लिखा हूँ जी कि इट यानी कि यह, इट इज यूज्ड फॉर च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग, इसका इस्तेमाल होता है किस लिए, चबाने के लिए और ग्राइंडिंग करने के लिए, यानी कि उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करने के लिए यानी कि बांटने के लिए, परिवर्तन करने के लिए, समझ गए? अभी किसी को दिक्कत हो रहा है इसी प्री मोलर्स के बारे में बातें करते हुए? मुझे यकीन है कि आप प्री मोलर क्या होता है वो सीख गए होंगे और मोलर्स क्या होते हैं वो भी सीख गए होंगे, सीख गया ना? चलिए बहुत सही। अब नेक्स्ट है अबाउट द मोलर्स, अब मोलर्स के बारे में बताता हूँ, ठीक है? लिखा हूँ कि मोलर्स आर वेरी लार्ज टीथ, मोलर्स जो है वो बड़ा दांत होता है, व्हिच आर प्रेजेंट जस्ट बिहाइंड द प्री मोलर्स, जो कहाँ प्रेजेंट होता है,
तो जस्ट बिहाइंड द प्री मोलर्स, मोलर्स के पीछे थोड़ा सा, मोलर्स के जस्ट बिहाइंड यानी कि मोलर्स के थोड़ा सा पीछे होता है, ओह क्या मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि मोलर कहाँ होता है जी, तो प्री मोलर के जस्ट बिहाइंड यानी कि प्री मोलर से थोड़ा सा पीछे होता है, क्या, तो मोलर होता है, समझ गया ना डियर। चलिए बहुत सही कि आप समझ पा रहे हो, राइट, ऑब्वियसली यस। तो ये होता है हमारा मोलर। अब मोलर क्या होता है कोई पूछेगा तो बता दे, लार्ज होता है, सबसे बड़ा होता है दांतों में कौन, तो ये मोलर ही होता है, समझ गए, चौड़ा जैसा एकदम पूरा होता है, जस्ट भी कहाँ होता है तो प्री मोलर के थोड़ा सा पीछे। इसका किस लिए इस्तेमाल करते हैं, तो इसका भी इस्तेमाल करते हैं चबाने के लिए और रोटियों को, चीजों को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करने के लिए यानी कि बांटने के लिए, राइट। वही लिखा हूँ कि इट इज ऑल्सो यूज फॉर च्यूविंग एंड ग्राइंडिंग, ग्राइंडिंग ऑफ फूड, ग्राइंडिंग द फूड। यहाँ पर एक लाइन लिखना चाहते हो तो लिख भी सकते हो कि द फूड, ठीक है, च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग, तो ये फुल स्टॉप यहाँ ना दे करके यहाँ देना पड़ेगा फुल स्टॉप, है कि नहीं, तो ये एक लाइन लिख भी सकते हो, नहीं तो नहीं भी लिख सकते, एक बार कोई दिक्कत नहीं, यहीं तक करेक्ट है। इसका भी इस्तेमाल होता है चिवाने के लिए और ग्राइंडिंग करने के लिए, रोटी को जब आप चिवाने करके खाते हो, चावल हो चाहे रोटी हो चाहे कोई भी चीज़ का है ना, तो छोटे छोटे पीसेस में, टुकड़ों में डिवाइड करने के लिए होता है, समझिए। अभी किसी को दिक्कत हो रहा है तो अभी बोलेगा, नहीं हो रहा होगा तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ, ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं जी। चलो बहुत सही, चलिए ये कंप्लीट होता है, यहां तक लिख लो, यहां तक लिख लिया है ना, लिख लिया यहां तक, आगे बढ़ जाए ना, पक्का बोलोगे यस सर, तभी तो बढ़ूंगा, आवाज नहीं आया, अरे नहीं आएगा, प्रयास भी मत करो, आप चार सेक्शन में लिख देना यस सर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 52, अब क्वेश्चन नंबर 52 की मैं बातें करता हूँ, ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52 क्या है और इसे समझने का प्रयास किया जाए, राइट, ऑब्वियसली यस। अब देखो क्वेश्चन नंबर 52 है जी, 52 का ए पार्ट है, ये प्रश्न है कि व्हाट इज द टेस्ट ऑफ नीम लिप्स एक्सट्रैक्ट, नीम लिप्स यानी कि नीम का पत्ता का क्या टेस्ट है जिसको हम लोग तोड़ लिए गए हैं, या फिर बीटर गोल्ड यानी कि करेला, करेला का क्या टेस्ट हो सकता है, एंड और विच पार्ट ऑफ द टंग कैन डिटेक्ट दिस चीज, और जीभ के कौन सा भाग जो है वो ये इस तरह का टेस्ट को टेस्ट कर सकता है। प्रश्न है कि नीम का पत्ता का कैसा टेस्ट होता है, तो कड़वा टेस्ट होता है, ये आंसर हो गया, और कौन सा पार्ट हमारे जीभ का है जो कड़वा टेस्ट को बता सकता है, तो बैक ऑफ द जीभ यानी कि बैक ऑफ द टंग, जीभ के पिछला हिस्सा, ठीक है, लिख रहे बीटर टेस्ट यानी कि जीभ के पीछे वाला हिस्सा, ठीक है, फिगर से नहीं बताना था, ऐसे ही बताना है यहाँ पे रिटर्न फॉर्म में लिखा हूं आंसर में कि नीम एक्सट्रैक्ट और बीटर गोल्ड हैज कैसा टेस्ट है, तो बीटर टेस्ट है, लिख दिया हूं बीटर टेस्ट है, ठीक है, बैक साइड ऑफ टंग, और यहाँ पे फुल स्टॉप दे दीजिए, फुल स्टॉप देने के बाद लिखिए कि बैक साइड ऑफ टंग कैन डिटेक्ट दिस टेस्ट, और इस तरह का जो टेस्ट है वो कौन डिटेक्ट कर सकता है, कौन जांच कर सकता है, तो जीभ के पिछला वाला हिस्सा जो है वो इस प्रकार का टेस्ट कर सकता है। चलिए सीख गया, आगे बढ़ जाए। चलो क्वेश्चन नंबर बी, अब 52 का क्वेश्चन नंबर बी पार्ट है, अब इसे भी समझने में क्यों कसर छोड़े, क्यों कमी छोड़े हैं कि नहीं, तो समझने का प्रयास किया जाए। लिखा हूं कि व्हाट इज द टेस्ट ऑफ लेमन जूस, दैट मींस कि लेमन जूस का क्या टेस्ट है, कैसा टेस्ट है लेमन जूस का, ये बताना है, और पूछा है कि व्हिच पार्ट ऑफ टंग यानी कि जीभ का, ठीक है ना, यानी कि टंग दैट मीन्स कि हमारे जीभ का कौन सा ऐसा भाग है, ठीक है, विच पार्ट ऑफ टंग कैन डिटेक्ट दिस टेस्ट, और लेमन जूस का टेस्ट कैसा है, और हमारे जीभ का कौन सा भाग जो है वो इस प्रकार का टेस्ट कर सकता है, तो लेमन जूस का कैसा टेस्ट है, तो लेमन जूस का खट्टा टेस्ट है, इंग्लिश में बोले तो सोर टेस्ट है, और जीभ के कौन सा पार्ट खट्टा टेस्ट को बता सकता है, तो साइड वाला, किनारा वाला, ठीक है, इधर बगल वाला, समझ गया ना, तो बता दिया आंसर मैंने, ठीक है, ये क्वेश्चन क्वेश्चन है, ठीक है ना, और क्वेश्चन में और भी
नहीं कुछ है। तो लिखा हो कि लेमन जूस है सोर टेस्ट। लेमन जूस के पास कैसा टेस्ट है? तो खट्टा टेस्ट। सोर का हिंदी मीनिंग हुआ खट्टा, खा टा टा खट्टा था। ठीक है, लिखा हूँ साइड पार्ट ऑफ टंग कैन डिटेक्ट दिस टेस्ट। और इस तरह का टेस्ट जो है वो कौन बताएगा? तो जीभ के साइड वाला भाग जो है वो बता देगा। मेरी बातों को ध्यान से सुनिए और अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए चीजों को। कोई तकलीफ नहीं होगा, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं, आपको किसी के पास जाने की कोई जरूरत नहीं, मैं हर एक चीज आपको सिखा देता हूँ। समझ गए? और अगर आपको कुछ और भी जानना हो तो आप चैट सेक्शन में लिखिए, मैं प्रयास करूंगा कि आपके लिए वो चीजें आ जाए। राइट, ऑब्वियसली यस। ठीक है, चलो अब सी को सॉल्यूशंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं। 52 का सी पार्ट है। प्रश्न है कि ड्रा ए स्केच ऑफ द टंग। एक जीभ का फिगर बनाइए और उसके साथ साथ क्या करना है कि लेवल द पार्ट्स ऑफ टंग और जीभ का लेवल बताइए, यानी कि उसका पार्ट्स ऑफ द टंग बताइए कि ये लेवल यहाँ तक लेगी, इस प्रकार का टेस्ट करेगा और यहाँ से यहाँ तक ऐसा टेस्ट को टेस्ट करता है, यही बता रहे हैं। बीच डिटेक्ट स्वीट, साल्टी, सोर और बीटर टेस्ट। एक जीभ का टंग का फिगर बनाइए और बना करके ये बताइए कि कहाँ पे मीठा स्वाद वो बता सकता है, साल्टी स्वाद कहाँ बता सकता है, यानी कि नमकीन स्वाद कहाँ पे बताता है, और सोर टेस्ट यानी कि खट्टा स्वाद कहाँ बताएगा। सिमिलरली बीटर टेस्ट यानी कि कड़वा टेस्ट कहाँ बताएगा, कौन सा जीभ का पार्ट बताएगा। तो मैंने क्या किया है आपके लिए, ये फिगर मैंने पेस्ट कर रखा है, ठीक है, किसी बुक से काट करके, तो आप इसे देख लीजिए। लिखा हूँ आंसर में कि देखो ये हमारा जीभ हो गया, जीभ कुछ इस प्रकार का हो गया। ठीक है, जीभ के आगे वाला ये पार्ट स्वीट टेस्ट बताएगा, मीठा टेस्ट, और आगे के टिप के थोड़ा सा पीछे वाला भाग यानी कि ये वाला, ये पीला वाला भाग जो देख रहे हो, ठीक है, ये क्या बताएगा? ये साल्टी बताएगा, साल्टी। ठीक है, और ये साइड वाला, ये दोनों साइड एस बताएगा यानी कि शोर टेस्ट बताएगा, और ये पीछे वाला बीटर टेस्ट बताएगा। वही चीज हमने यहाँ भी लिखा है कि ये बीटर टेस्ट है, ये शोर टेस्ट, इधर भी शोर टेस्ट, और ये सबसे आगे वाला स्वीट बताएगा यानी कि मीठा टेस्ट को बताएगा, और ये यहाँ पे वाला जो है वो साल्टी यानी कि नमकीन बताएगा। तो आपको करना क्या है, आपको करना यह है कि इस फिगर को बना लीजिए फेयर कॉपी में, ताकि आपको जब मर्जी और जब उचित लगे आप इस चीजों को रिवाइज कर सकें, और आपको जब कोई नहीं गाइडेंस करने वाला होगा तो भी आप पढ़ सकते हो आसानी से, क्योंकि बार बार वीडियोस को प्ले करके कितना देखिएगा। इसीलिए मैं बोलते रहता हूँ कि नोट्स बना लिया कीजिए, और इतना सारा मेहनत करता हूँ मैं आप लोगों के लिए ही तो करता हूँ, ताकि आपका फेयर कॉपी तैयार हो जाए, ताकि आपका नोट्स तैयार हो, आप 100% सीख पाए जो समझने लायक चीजें हैं और जो पढ़ने लायक चीजें हैं और जो आपके सिलेबस में भी। राइट, ऑब्वियसली यस। तो आप क्या करोगा, आप इन सारे, चलो कहाँ चला गया जी, कहाँ चला गया, टाइम देख लो एक बार, ठीक है ना? तो आप यहाँ तक ले लिख लेगा, चलिए लिख लिया होगा, मैं इसे क्लीन कर दूँ। चलो लिख लिया ना, किसी को दिक्कत तो नहीं होगा। तो इन सभी चीजों को ध्यान से और बारीकी से देखिए, और कहीं पे किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम्स होता है तो एक बार जरूर बताना, ताकि मैं आपका प्रॉब्लम्स को जल्द से जल्द दूर कर सकूं। ठीक है, और तो कुछ नहीं कहें तो मुझे यकीन है। और हाँ, कॉपी में लिखने के लिए दो तरह का पेन का इस्तेमाल जरूर कीजिए, ठीक है ना? दो तरह का पेन का इस्तेमाल, ठीक है, समझ गया। और कॉपी में दो तरह का पेन का इस्तेमाल जरूर करना है, पहला ब्लैक और दूसरा दूसरा ब्लू पेन, ठीक है? नहीं, रेड और ग्रीन, येलो, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं भी आपके जैसा स्टूडेंट्स था डियर, तो ब्लू और ब्लैक पेन का ही इस्तेमाल करता था, ठीक है ना? आप क्वेश्चन को लिखिए ब्लैक पेन से और आंसर को लिखिए ब्लू पेन से। क्या ब्लू ब्लैक सब एक कर दिया, पहले बताना चाहिए था हमको। कोई बात नहीं, अभी से भी कुछ नहीं बिगड़ा, जो लिख दिया सो लिख दिया। अब से ब्लैक क्वेश्चन से ही, क्वेश्चन को ब्लैक पेन से ही लिखो और आंसर को ब्लू पेन से ही लिखो, इससे कॉपी की सुंदरता जो है बढ़ेगी, और आप जब नोट्स को पढ़िएगा फेयर कॉपी को तो पढ़ने में भी मन लगेगा, ताकि आपको पता चले कि कौन किस चीज को, जो लिखा हुआ चीज है वो है क्या, वो टॉपिक है कि वो आंसर है कि क्वेश्चन है, पेन को कलर से ही पकड़ लगे, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना? चलिए, आप इसे नोट कर लिया होगा मुझे यकीन है, अब आगे बढ़ सकते हैं ना? चलो ठीक है जी, आगे की मैं बातें करता हूँ।
चलो भाई, अब क्वेश्चन नंबर 53 है। अब 53 का सोल्यूशन किया जाए, राइट। ऑब्वियसली यस। क्वेश्चन नंबर 53 में पूछा है कि व्हाट इज मीन्ट बाई द टर्म रूमिनेशन। आप रूमिनेशन के बारे में क्या जानते हैं, या फिर रूमिनेशन होता क्या है, ये पूछा है। और पूछा इसी में कि नेम एनी टू रूमिनेंट्स और दो गो रूमिनेंट्स का नाम बताओ। और यही प्रश्न है हमारा, रूमिनेंट्स क्या होता है और दो गो नाम बताओ रूमिनेंट्स का। तो हमने बताया था कि रूमिनेंट्स क्या होते हैं, वैसा कोई जानवर जो कर्ड को चिवाए। तो कर्ड नहीं बोल रहा हूँ, दही नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि कर्ड बोल रहा हूँ, CUD बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। उसे क्यूड भी बोल सकते हो या फिर कर्ड भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये जो है वो आखिरकार ये चीज क्या है, तो पार्शियली डाइजेस्टेड ग्रास है ये, यानी कि घास जो है वो थोड़ा बहुत डाइजेस्ट हो गया, वही है ये, समझ गए। चलिए अच्छी बात है। तो और चलो जानते हैं कि रूमिनेंट्स किसे कहते हैं। ज्वाली करने वाला जानवर को कई बार बता चुका हूँ, आंसर में लिखा हूँ कि द प्रोसेस थ्रू विच द कर्ड और पार्शियली डाइजेस्टेड फूड इज ब्रॉट बैक फ्रॉम द स्टोमक टू द माउथ इन ऑर्डर टू च्यू इट अगेन, देन दिस इज कॉल्ड रूमिनेशन। ठीक है, रूमिनेशन क्या हुआ? तो ऐसा कोई प्रक्रिया जिसमें कर्ड को, यानी कि जानवर एक बार भोजन को खाता है तो थोड़ा बहुत पचता है पेट में, और उसी भोजन को दोबारा से ला करके मुंह में चबाना शुरू करता है, ऐसे ऐसे इस प्रकार से। तभी तो देखते हो आपके जानवर जो है वो बैठ करके जुवाली कर रहा है, जिसे बोलते हो। तो इसी प्रक्रिया को रूमिनेशन का नाम देते हैं। मैं रिपीट करता हूँ कि रूमिनेशन क्या होता है। तो ऐसा कोई प्रक्रिया जिसमें कर्ड को या फिर पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को पेट में से ला करके मुंह में उसको फिर से पुनः चबाना, ठीक है, इसी को रूमिनेशन बोलते हैं, समझ गया ना। और दो को नाम पूछा है रूमिनांट्स का, ठीक है। मैंने तो यहाँ पे लिखा नहीं, छोड़ दिया, तो लिख लीजिएगा आप, लिखो आंसर में कि काऊ। मैं इसे क्लीन कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली आंसर मिल जाए, है कि नहीं। लिखना काऊ एंड, काऊ एंड एंड बफाइलो, एंड बफाइलो, एंड बफाइलोस आर द नेम आर द टू रूमिनेंट्स, कर दो, आर द टू रूमिनेंट्स। यानी कि गाय और भैंस जो है वो दो अलग अलग रूमिनेंट्स का नाम है, समझ गया। या फिर एग्जांपल्स भी है रूमिनेंट्स का, आपको जो मर्जी सो अपना, ये कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो, तो आप क्या करेगा, इसे नोट कर लेगा और इसे लिख लीजिए ताकि और भी बहुत सारी बातें मैं आपसे कर सकता हूँ। चलो, मुझे यकीन है कि आपने इस प्रश्न को लिखा होगा अच्छे तरीके से। तो इफ यू वॉन्ट्स यू कैन राइट इट, आप चाहो और आप इसे लिख लो और आप इसे नोट कर लो। चलिए, नोट कर लिया होगा। किसी को दिक्कत, कोई समस्या तो बोलेगा नहीं हो रहा है, बहुत अच्छे। अब क्वेश्चन नंबर 53 के बी पार्ट है, तो बी पार्ट को भी समझने का प्रयास करते हैं। प्रश्न है कि एक्सप्लेन भाई, एक्सप्लेन कीजिए कि आखिरकार क्यों एक काउ कैन डाइजेस्ट ग्रास। बताइए कि गाय जो है वो घास को पचा सकता है, यानी कि डाइजेस्ट कर सकता है, बट लेकिन बी कैन नॉट, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं, ये बताइए। तो कोई दिक्कत नहीं है, बता रहा हूं आंसर है कि नहीं। लिखा हूं कि सिंस वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि ग्रास कंटेन सेलुलोस कार्बोहाइड्रेट, हम लोग जानते हैं कि ग्रास के पास क्या होता है, तो सेलुलोस कार्बोहाइड्रेट होता है, यानी कि सेलुलोस नाम का एक कार्बोहाइड्रेट होता है। दैट कैन बी, जो क्या है जी, डाइजेस्टेड बाय रूमिनेंट्स, जो सिर्फ और सिर्फ रूमिनेंट्स एनिमल्स के द्वारा ही डाइजेस्ट किया जा सकता है, सच एज काऊ, जैसे में कौन, तो काऊ, ठीक है। बट लेकिन बी आर नॉट रूमिनेंट्स, लेकिन हम लोग रूमिनेंट्स नहीं है, सो दैट्स भाई, इसीलिए भाई वी कैन नॉट डाइजेस्ट ग्रास, इसीलिए, और यही कारण है कि हम लोग घास को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है, समझ गया ना। इस प्रश्न का हल मैंने कर दिया। प्रश्न है, मैं एक बार, इंपॉर्टेंट कुछ प्रश्न है, कुछ अलग है, इसलिए मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि आखिरकार भैया ये बताओ मुझे, जो जो जानवर लोग होते हैं वो ग्रास को, घास को खा कर खा लेता है और उसे पचा भी लेता है, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं,
तो प्रश्न यह उठता कि आखिरकार काहे भाई हम लोग ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं, है कि नहीं? तो ऐसा इसलिए क्योंकि ग्रास में क्या होता है, सेलुलोस होता है, और सेलुलोस को वही पचा सकता है जो रूमिनांट है, यानी कि जो रूमिनांट यानी कि ज्वाली करने वाला जानवर, जिसमें काऊ हो गए, बफेलो हो गए। लेकिन हम लोग तो रूमिनांट नहीं, हम लोग तो ह्यूमन बींग्स हैं, इसीलिए और यही कारण है कि हम लोग जो है वो ग्रास को पचा नहीं सकते हैं, मतलब सेलुलोस को पचा नहीं सकते हैं, राइट? ऑब्वियसली यस, समझ गए? चलिए बहुत अच्छे। तो आप क्या करें, इस इन सारे प्रश्नों का उत्तर को और प्रश्नों को सहित समेट इसे लिख लीजिए अपने फेयर कॉपी में, अपने नोटबुक में। चलो मुझे यकीन है कि आप लिखे होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बातें करता हूँ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 54। अब 54 क्वेश्चन नंबर की मैं बातें करता हूँ, राइट? ऑब्वियसली यस। क्वेश्चन नंबर 54 है जी कि व्हाट इज डायरिया, डायरिया क्या है ये बताओ, और पूछा है कि हाउ इज डायरिया कॉज, डायरिया क्या है और डायरिया कैसे हो जाता है ये पूछा है, ठीक है? और पूछा कि व्हाई डज डिहाइड्रेशन टेक प्लेस, और डिहाइड्रेशन क्यों हो जाता है ड्यूरिंग डायरिया, डायरिया के समय में डिहाइड्रेशन क्यों हो जाता है। डिहाइड्रेशन क्या हुआ, बॉडी में शरीर में पानी का कमी हो जाना, ठीक है? और हाउ कैन डिहाइड्रेशन डिहाइड्रेशन बी प्रिवेंटेड, और इस डिहाइड्रेशन को कैसे और आखिरकार किस प्रकार से हम लोग ठीक कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को, यही प्रश्न है और इसी का उत्तर देते हैं। तो प्रश्न एक ही है, क्वेश्चन नंबर 54 ही है, बट इसी क्वेश्चन नंबर 54 में ही अलग अलग हमको सेक्शन बना दिया गया, यानी कि अलग अलग प्रश्न पूछ दिया गया। तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग डरने वाले में से थोड़े हैं, वीर तुम बढ़े चलो, तो बढ़े चलेंगे, बढ़े चलेंगे, चिंता नहीं करो तो नहीं करो, एनी हाउ आई एम जस्ट किडिंग। तो आपको से बता रहा हूँ, ये पहला प्रश्न है कि भारतीय डायरिया, डायरिया क्या है ये बताओ। तो लिख रहा हूँ, लिखा हूँ आंसर में कि एक कंडीशन इन विच एनी पर्सन पासेस आउट वाटरी स्टूल्स इज कॉल्ड डायरिया। ये डायरिया क्या हुआ भैया, तो ऐसा कोई कंडीशन और ऐसा कोई सिचुएशन जिसमें क्या होता है कि पर्सन जो है, पर्सन का जो फीसेस होता है, जो स्टूल होता है, वो पतला पैखाना हो जाता है। तो पतला पैखाना का केस जो है हो रहा है, इसका मतलब उसको डायरिया हो गया है, तो वही हमारा डायरिया होता है, ठीक है? समझ गया कि डायरिया क्या है। अगला प्रश्न है इसी में कि हाउ इज डायरिया कॉज, डायरिया कैसे होता है। तो मैंने लिखा है कि डायरिया इज कॉज्ड बाय इन्फेक्शन, डायरिया इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म चला गया तो, फूड पॉइजनिंग बासी भोजन से भी हो सकता है, इंजेशन यानी कि पेट अच्छा से नहीं पचा है तो भी वो हो सकता है डायरिया, ठीक है ना? पाचक तंत्र ही खराब है तो हो ही जाएगा, है कि नहीं? सही से पैखाना नहीं होगा, यानी कि फीसेस आपको सही से पास आउट नहीं करेंगे। तो इस प्रश्न का भी डील कर दिया हमने कि ये जो डायरिया है वो कैसे आखिरकार होता है, राइट? ऑब्वियसली यस। अगला प्रश्न है कि व्हाई डज डिहाइड्रेशन टेक प्लेस ड्यूरिंग डायरिया। अब डायरिया के समय में डिहाइड्रेशन क्यों होता है, ऐसा इसलिए क्योंकि पर्सन जो है वो बार बार उसका पैखाना जो है वो पतला हो जाता है, फिशेस जो है वो पतला हो जाता है, यानी कि लिक्विड जो है वो उसके में जा रहा है, तभी तो पानी उसके साथ मिक्स्ड है, तभी तो वो पतला हो गया, अनडाइजेस्टेड फूड, नहीं तो क्यों होता। पतला पैखाना का मतलब ये हुआ ना डियर, लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो अनडाइजेस्टेड फूड में से वाटर को अब्जर्व नहीं कर रहा है कि नहीं? तो यानी कि पानी जो है वो उसके साथ बार बार निकल, इसलिए हमारे बॉडी में पानी की कमी हो जाती है। और पूछा है कि हाउ कैन डिहाइड्रेशन बी प्रिवेंटेड, और डिहाइड्रेशन को कैसे रोक सकते हैं। तो एक फॉर्मूला है ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, यानी कि चीनी, नमक और पानी को, ये तीनों को आपस में मिला दीजिए और मिला करके पर्सन को पिला दीजिए, तो उसको राहत होता है, पानी जो डिहाइड्रेशन हो रहा है, पानी की कमी हो रहा है, वो उससे फुलफिल होगा, उससे मिलेगा, ठीक है? तो ये मैंने बता दिया आपको, ठीक है ना? डो वरी, नेक्स्ट पेज पे मैं लिखाया भी हूँ, तो उसकी मैं बातें करता हूँ। तो और चलो देखते हैं। तो देखिए लिखा है कि डायरिया लीड्स टू द लॉस ऑफ वाटर, डायरिया के चलते पानी की कमी हो जाती है, एंड सॉल्ट्स फ्रॉम द बॉडी ऑफ ए पर्सन थ्रू वाटरी स्टूल्स एंड एंड वाटर, क्या लिख दिया, लिखा हूं कि डायरिया लीड्स टू लॉस ऑफ वाटर, यहां तक तो ठीक है, एंड सॉल्ट्स फ्रॉम द बॉडी ऑफ ए पर्सन थ्रू वाटरी स्टूल्स, सो दैट्स व्हाई डिहाइड्रेशन टेक्स प्लेस।
एंड यहाँ पे कुछ और है, ठीक है ना, एंड सेल्स फ्रॉम द बॉडी ऑफ ए पर्सन, ये काट दो, ठीक है, ये सब काट दो, यहाँ से यहाँ ये सब काट दो, ठीक है। डायरिया में वाटर की कमी हो जाती है, ठीक है, सो दैट्स वाई डिहाइड्रेशन टेक प्लेस ड्यूरिंग डायरिया, और इसीलिए डायरिया में जो है वो हम लोगों को पानी की कमी हो जाती है। चलो कुछ और जोड़ने का प्रयास करते हैं, एंड वाटर फ्रॉम द बॉडी ऑफ अ पर्सन, यहाँ पे साल्ट के जगह पर वाटर लिख दो, ठीक है, साल्ट के जगह पर वाटर लिख दो, वाटर फ्रॉम द बॉडी ऑफ अ पर्सन पासेस लिख दो, यहाँ पे थ्रू से पहले यहाँ पे पासेस लिख दो, पासेस थ्रू वाटरी स्टूल, यानी कि पतला पैखाना के रास्ते से के साथ वो पानी भी निकल जाता है, इसलिए डिहाइड्रेशन हो जाता है हम लोगों को, ठीक है ना। तो काटिए नहीं, उसे भी लिख लो, ठीक है ना, ताकि आंसर जो है वो और क्लियर मिले आपको, ठीक है। तो ये सब जो काटे हो उसे भी लिख लीजिए, लेकिन हाँ सुधार करके ये साल्ट के जगह पर क्या लिखेगा, तो वाटर लिखना है, साल्ट के जगह पर वाटर लिखना है, समझ गया, चलो ठीक है भाई। और थ्रू से पहले पासेस लिख दे, PASES, चलो ठीक है ना। इतना सारा कुछ कर लीजिएगा, अब आंसर करेक्ट हो गया, यानी कि डायरिया में जो है वो पानी की कमी हो जाती है, क्योंकि जो पानी है वो फीसेस के साथ मैन डाइजेस्टेड फूड के साथ में निकल जाता है, इसीलिए डिहाइड्रेशन हो गया। अब पानी की कमी हो जाना शरीर में, इसी को इंग्लिश में डिहाइड्रेशन बोलते हैं, ठीक है। अब आता है कि डिहाइड्रेशन को कैसे रोका जाए, तो लिखा हूं कि डिहाइड्रेशन इज प्रिवेंटेड बाय गिविंग ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, यानी कि ORS, ORS का फुल फॉर्म हुआ ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, तो इसको दीजिएगा पर्सन को तो वो पानी की जो कमी हुई है उसको फुलफिल करेगा। ORS क्या हुआ वो मैंने बता दिया कि चीनी नमक और पानी को मिला दीजिए, यही हो गया ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, से ये बन गया, समझ गया डियर। चलिए बहुत अच्छे एंड वेरी गुड, वेरी नाइस। अब और एक क्वेश्चन है, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 की मैं बातें करता हूँ, ठीक है ना, तो आओ चलो क्वेश्चन नंबर 55 को भी समझ लिया जाए, इससे क्यों छोड़ें, है कि नहीं। तो लिखा हूँ प्रश्न है कि व्हाट इज ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, ये ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन जो है वो क्या होता है, और प्रश्न है कि हाउ कैन यू मेक द ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन क्या है और ओरल ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन को कैसे बनाते हैं, और पूछा कि व्हेन इज इट गिवन टू ए पर्सन, और कब हम इसको कोई ही पर्सन को दे सकते हैं, पिला सकते हैं। ऐसे तो पिलाने के लिए कभी भी कोई पी लेता है, चीनी नमक और नींबू पानी, ये सब तो कभी भी पी ले सकता है, लेकिन खास करके मुख्य रूप से ये चीज को कब देना चाहिए, ठीक है ना, तो इसको ही समझने का प्रयास करते हैं। तो लिखा हूं कि द शुगर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ शुगर साल्ट इन वाटर, चीनी नमक और पानी का सॉल्यूशन कीजिए, ठीक है, तो इज कॉल्ड, इसी को बोलते हैं ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्ट में यहाँ पे लिख सकते हो ORS, सॉल्ट में लिख सकते हो ORS, ठीक है, ORS, समझ गए। और जो है वो कैसे इसको बनाया जाए, तो लिख बता रहा हूं कि द मिक्सचर ऑफ शुगर एंड सॉल्ट, चीनी और नमक को पानी में घोर दीजिए एंड स्टीर वेल, यानी कि उसको घुमाइए, उसको मिलाइए चम्मच वगैरह से, देन द सॉल्यूशन दैट वी गेट, तो सॉल्यूशन जो हमें प्राप्त होगा दैट वी गेट इज द, वो क्या है, इज द ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, वही हमारा ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन है, ठीक है, समझ गया ना कि ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं और ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन होता है क्या है, राइट, ऑब्वियसली यस। अब देखो ये कब देना चाहिए, अगला प्रश्न इसी में है कि व्हेन इज इट गिवन टू ए पर्सन, कोई भी पर्सन को कब दे सकते हैं, ये इस तरह का सोल्यूशन लिखा हूं कि इन केस ऑफ डायरिया, डायरिया के केस में जब भी कोई पर्सन को डायरिया हो गया तब आप ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन जो है वो उसे दे सकते हो, इज गिवन टू, किस लिए, टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, ये भी लिख दिया कि कब दे सकते हो और क्यों दे सकते हो, तो डायरिया के केस में दे सकते हो और किस लिए दे सकते हो, एक बोनस पॉइंट में यहाँ पे लिख दिया हूँ, किस लिए दे सकते हो, तो पानी की कमी जो बॉडी में हुई है उसी को रोकने के लिए आप दे सकते हैं, ठीक है, इफ यू वॉन्ट यू कैन राइट इट, आप चाहो तो आप इसे लिख लो, आप चाहो और आप इसे लिखो, आपने चाहो और आपने इसे लिख लिया,
चलिए, वेरी गुड, वेरी नाइस। तो मुझे यकीन है जी कि आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा इसी लेक्चर में। मैं यकीन के साथ कर सकता हूँ कि आपको बहुत सारे प्रश्नों को मैंने सिखाया है। आपको 100% जो कुछ भी चीजें था वो मैंने सिखाने का प्रयास किया। आपको जितना बेहतर तरीके से समझा सकता था वो समझाने का प्रयास किया। खैर, ऑफलाइन में तो होने की बहुत सारे मजाक करूँ और बहुत सारे तरह तरह की बातें करूँ, आपका हाल चाल पूछूँ, ऐसा तो कर नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे तो वीडियोज ही बड़ा हो जाएगा, लेक्चर ही लंबे चले जाएंगे। इसलिए ज्यादा बातें नहीं करते हुए, सिर्फ यहीं पे काम की बातें करते हुए मैं आपसे यही कहूँगा कि अच्छे से पढ़िए। जहाँ भी हो तो मुस्कुराते हुए रहना है, और ढंग से रहिए, तरीके से रहिए, और दोस्तों के बीच में हंसते रहिए, मुस्कुराते हुए रहिए, प्यार मोहब्बत एक साथ करते रहना है। तो फिर से मैं आपसे मुलाकात करूंगा, बट कुछ नेक्स्ट लेक्चर में करूंगा। वो भी कैसे करूंगा, तो कुछ नए अंदाज में करूंगा। तब तक के लिए पता है ना कि मैं क्या करता हूँ, तब तक के लिए बस ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, आप मुझे देखते रहिए, मैं आपको देखते रहूँ। सो लव यू ऑल, सी यू सून, एंड बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे, एंड एंजॉय योर डे, एंड टेक केयर।